दोस्तों, सिर्फ एक हफ्ता लगातार काली मिर्च और हल्दी मिलाकर खाएं। कैंसर, मोटापा, हड्डियों और किसी भी स्किन प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। सिर्फ 1 वीक में आपको अपने बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव नजर आ जाएंगे। अगर आपको कैंसर की शिकायत है या आप चाहते हैं कि आपको कैंसर ना हो, तो दोनों का सेवन करें। मोटापा आपका 1 वीक में इतना कम हो जाएगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी। या फिर हड्डियों का दर्द हो, स्किन एलर्जी हो, पिंपल्स, एक्ने हो, या फिर अपने स्किन का कलर इन्हांस करना हो यानी फेयर करना हो, तो दोनों का मिक्सचर स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करना है, वीडियो होने वाला है बहुत ही यूजफुल, इंटरेस्टिंग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट टाइम कुछ और बेहतर लाने के लिए और आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए। तो वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपकी शेयरिंग से बहुत लोगों की जिंदगी को बेहतर बना देगी। मेरा काम है वीडियो बनाना, इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन उसको हर जगह फैलाना सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, तो दिल से करिएगा। तो चलिए जानते हैं हल्दी और काले मिर्च खाने के अद्भुत फायदे। हल्दी के बारे में अगर ये कहा जाए कि रसोई में मौजूद ये दवा खाना है, तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। हल्दी जहां एक और खाने का स्वाद और रंग बढ़ा देती है, वहीं इसका उपयोग कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। हल्दी त्वचा को खूबसूरत बनाने के साथ साथ डायबिटीज, हृदय रोग, मोटापे जैसे कई सारे शारीरिक समस्याओं का इलाज जड़ से कर देती है। वात, पित्त और कफ, तीनों प्रकारों के विकारों को ठीक करने की शक्ति हल्दी में होती है। यही वजह है कि हल्दी को विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के लिए इलाज करने के लिए हजारों वर्षों से चिकित्सा में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी को काली मिर्च के साथ जोड़ने से इसके प्रभाव दुगने हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर लोग काली मिर्च खाना पसंद करते हैं। आपको बता देती हूँ कि काली मिर्च स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। हल्दी और काली मिर्च दोनों में प्रमुख सक्रिय तत्व होते हैं, जो उनके एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और रोगों से लड़ने वाले गुणों को बढ़ा देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी में एक शक्तिशाली तत्व होता है, जिसे कर्क्यूमिनाइट्स कहा जाता है। वास्तव में कर्क्यूमिन एक तरह का पॉलीफेनॉल होता है, जिसके स्वास्थ्य के लिए कई फायदे हैं। ये एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण है। हालांकि कर्क्यूमिन की सबसे बड़ी कमी यही है कि वे शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता। उसको अवशोषित करने के लिए हमें जरूरत होती है पिपरिन की, क्योंकि काले मिर्च में बायोटिक कंपाउंड है पिपरिन, जो मिर्च पाउडर और कैन पेपर में पाया जाने वाला सक्रिय घटक है। पिपरिन में मतली, सिरदर्द और खराब पाचन से राहत दिलाने की क्षमता होती है, और साथ में ये कर्क्यूमिन के अवशोषण को बढ़ाने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर आप सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो इस चीज के साथ आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें, तो आपके शरीर में दुगना लाभ होगा। आप बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही बच पाएंगे। अब सबसे पहले बारी आती है मोटापे की, जो आजकल हम लोगों की बहुत आम समस्या है। चाहे हम 10 साल के बच्चे हैं या फिर 60 साल के, लेकिन मोटापा हमारे साथ बढ़ता ही चला जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा डाइटिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन मोटापा हमारा एज इट इज रहता है। ऐसे में अगर आप हल्दी और काले मिर्च का मिश्रण एक साथ लेंगे और उसमें थोड़ा सा अदरक ऐड कर लेंगे और रोजाना सुबह खाली पेट अपने बासी मुंह के साथ इसका सेवन करेंगे, तो ये आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। देखिए, मोटापा कम कैसे होता है, उसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक होता है कि हमें अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है जो हो गया है कमजोर। अगर मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट हो जाएगा, तो जो भी, अगर आप एक रोटी भी खा रहे हैं, वो आपके डाइजेस्ट होगा और जहां आपके शरीर में पहले से फैट है, उस चर्बी को ये बहुत अच्छे तरीके से पिघलाने का काम करता है। तो आपने इस रेमेडी को बनाना कैसे है, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेना है 1 गिलास पानी, उसको फ्राइंग पैन में डालना है, उसमें डालना है आपने चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक। इस मिश्रण को आप गर्मियों में आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि सबकी क्वांटिटी हमने बहुत कम ली है, तो आपको नुकसान नहीं देगी। उसके बाद इसको अच्छे से आपको काढ़ना है, उबालना है। जब पानी आधा ग्लास रह जाए, तो उसको आपको सुबह उठते ही बासी मुंह, आपने कोई नॉर्मल पानी नहीं पीना, कोई थूकना नहीं, बासी मुंह उसी पानी को चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। आपका वो आधा ग्लास पिया हुआ पानी आपके शरीर में इतने बदलाव लाएगा, आपका विद इन अ वीक इतना वेट लॉस करेगा, आपका डाइजेशन बूस्ट करेगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी। आप अपने अंदर वो चेंजेस फील कर पाएंगी। अब बात करते हैं अपनी दूसरी और बहुत ही कॉमन बीमारी की। हम लोगों को आजकल होने लगा है अर्थराइटिस, यानी जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द अब से पहले
सिर्फ और सिर्फ कब होता था? जब हम ज्यादा उम्र के होते थे, 50 के होते थे या 60 के होते थे। लेकिन आजकल के टाइम में ये समस्या 30 साल में और 25 साल में भी फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसे में सबसे पहले जरूरत है हमें एक अच्छे डाइट की। जो हेल्दी डाइट हम ना लेकर बाहर का जंक फूड, पैकेट फूड और हम ये सब चीजें इनटेक कर रहे हैं। तो पहले आप गंद खाने से बचें और अच्छा खाना खाएं। और दूसरी मेरी सलाह ये है कि आप सुबह हल्दी और काली मिर्च को पानी में उबालें, उसके बाद खाली पेट उसका सेवन करें। इससे आपका पुराने से पुराना अर्थराइटिस, पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन, कोई भी तकलीफ है आपकी, ज्वाइंट पेन्स की, कमर दर्द की, ये सारी चीजें जड़ से खत्म हो जाएंगी। और विद इन अ वीक आपको रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि जहां आप चल उतर नहीं पाते थे, बैठ उठ नहीं पाते थे, वहां आपको कितना ज्यादा फर्क दिखना शुरू हो गया है। अब बात कर लेते हैं तीसरी और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। आजकल हम सबको क्या है, खूबसूरत दिखना है। हमारे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हैं, झुर्रियां समय से पहले आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? एक तो अपनी हम त्वचा का ध्यान नहीं देते, हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, उसकी वजह से हमें एजिंग आने लगती है, या धूप में हम बिना सनस्क्रीन लगाए चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी स्किन पहले से ज्यादा मुरझा जाती है, अच्छे खाना हम डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कमियां होने लगती हैं, और उन कमियों को तो हम नजरअंदाज करते हैं और साथ में मार्केट में मिलने वाले महंगे महंगे ट्रीटमेंट फेस पे अपने करवाते हैं, लाखों पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जब तक वो ट्रीटमेंट आपकी स्किन पे चलता है, तब तक तो आपकी स्किन फिर भी ठीक ठाक दिखती है। लेकिन जैसे उस ट्रीटमेंट को लेना बंद करते हैं, पिल्स को, मेडिसिन को या कोई भी लेप को लगाना बंद करते हैं, तो आपकी त्वचा उतनी ही बेकार दिखने लगती है। तो अगर आप भी अपनी स्किन के कलर को इनहेंस करना चाहते हैं, पिंपल, एक्नी को, झुर्रियों को, झाइयों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो प्लीज सुबह उठकर एक गिलास पानी में, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है, हल्दी और काली मिर्च को उबालें और उस पानी को बासी मुंह पीना स्टार्ट करें रोजाना। आपको इसका सेवन सिर्फ एक महीना करना है, उसके बाद आपको 15-20 दिन का गैप देना है और दोबारा से इसको शुरू करना है, ताकि आपकी बॉडी को हैबिट भी ना हो और आपके ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सके। ये आपके इंटरनली आपके क्या करेगी, खून को साफ करेगी। जब हमारे चेहरे पर झुर्रियां आती हैं, दाग धब्बे, पिंपल्स आते हैं, झाइयां आते हैं, तो हमारा स्टमक या तो डिस्टर्ब होता है या फिर हमारा जो खून है उसमें गंदगी जमा होने लग जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और खून जमने लग जाता है। तो उस गंदगी को ये साफ करेगा और जिससे आपके कलर जो है, नेचुरली जो आपका रंग है, वो भी निखरना शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ट्राई करना, जिसकी भी शादी है या वैसे भी अपने कलर को इनहेंस करना चाहते हो ना, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। और जैसे आपको हल्दी सूट करने लगे तो आप इसकी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाएं, क्योंकि थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तभी आपके और ज्यादा इफेक्ट आएगा। लेकिन 1/4 स्पून से ऊपर हल्दी आपको गर्मियों में इनटेक नहीं करनी, और चुटकी भर आपको काली मिर्च का सेवन करना है, उसमें डालना है और उबालना है, और बस। अब बारी आती है पेट की, यानी पाचन तंत्र की। आपको पता है कि अगर हमारा पेट साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो जिंदगी भर हम बहुत सारे रोगों से बच पाएंगे। इसकी दिक्कत को हमें कैसे दूर करना है, हमें इस पानी को रोजाना सुबह खाली पेट पीना है। अब बारी आती है हमारी अगली प्रॉब्लम के बारे में, हमारी सांस और दांत की बीमारी। सांस और दांत की बीमारी में काली मिर्च और हल्दी का सेवन आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। ये दोनों मसाले जो होते हैं बैक्टीरिया रोधी होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो मुंह की दुर्गंध को दूर करते हैं और सर्दी जुकाम की दिक्कत को भी खत्म करते हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह में से स्मेल आती है। स्मेल किस लिए आती है, दो रीजन होते हैं, या तो उनका पेट खराब होता है, या दूसरी चीज उनको ना जुकाम बहुत ज्यादा होता है और वो उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं जो जुकाम को दबाने की दवाई तो दे देते हैं, लेकिन वो कफ आपके अंदर पनपता रहता है, जमता रहता है, और जब कफ हमारी छाती में जम जाता है तो वो एक अलग सी बदबू देता है हमारे मुंह से। तो आपकी जो मुंह की स्मेल है, आपके कंजेशन को, आपके सर्दी जुकाम को, ये हल्दी और काली मिर्च का पानी इतने बढ़िया तरीके से ठीक करेगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी, और आपकी जो मुंह की स्मेल थी वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे काली मिर्च और हल्दी के अनगिनत फायदे। अभी भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, अगर और ज्यादा बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग कंप्लेन करोगे इतना लंबा वीडियो क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको उसके बहुत सारे फायदे बताऊं जो हमारी किचन में हैं, और आप डॉक्टर्स पे अपना पैसा ना खर्च करते हुए बल्कि अपनी सेविंग करें और लाइफ इंजॉय करें। तो प्लीज ऐसे ही हमेशा खुश रहें, टेंशन को दूर भगाएं, हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर लाती रहूंगी, आपकी सेहत का ख्याल रखती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।